दोस्तों, ये जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो हरियाणा से सामने आ रहा है, जहां पर एक बार फिर जो गौरक्षक तथाकथित गौरक्षक है, उन्होंने कुछ लोगों को निशाना बनाया है। गाय लाने के शक में और गौ तस्करी के शक में इन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर किस तरह से हमला किया है, ये वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। इसका पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कुछ लोगों की सह पर ये गुंडे लगातार देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, एक तस्वीर मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए, ये मुस्कुराता हुआ एक कांवड़िया है, इसके हाथ में जो आप चीज देख रहे हैं ना, वो आपको चौंका सकती है। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि कांवड़ यात्रा में जो कांवड़िए आ रहे हैं, उनमें से कुछ के पास हथियार वगैरह भी हैं। इस चीज को लगातार डिनाई किया जा रहा था, लेकिन अब इस मामले पर खुलासा हो गया है कि कांवड़िए कुछ कांवड़ियों के पास इस तरह से वेपन्स रहते हैं। जैसा कि बरेली के अंदर जो अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को ट्रांसफर किया गया ना, उन्होंने भी दावा किया था, और उसका जीता जागता सबूत ये यहां पर है। आप देख सकते हैं कांवड़िए के हाथ में किस तरह से खुलेआम तमंचा ये लहरा रहा है। इसकी भी आगे और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तीसरा जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले, ये वीडियो नरसिंहानंद सरस्वती का है। नरसिंहानंद सरस्वती, आपको पता होगा इनकी हिस्ट्री, इन्होंने अब जो खुलासा किया है अपने वीडियो के जरिए से, उसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। इन बाबा का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, भाईचारा बनाकर रखिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। ये नेता आपको अपने फायदे के लिए ऐसे दलदल में ढकेल सकते हैं जहां से वापस आना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। बाबा, मौलाना, नेता, इन तमाम के चक्कर में हिंदू मुसलमान भाईचारा खत्म मत करिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कि आज देश के अंदर गौरक्षा के नाम पर किस तरह से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। लेकिन इसके लिए एक सबूत भी यहां पर सामने आ गया हरियाणा से। हरियाणा के अंदर आप जानते होंगे 31 जुलाई को क्या कुछ हुआ, किस तरह से फसाद करवाया गया, ये लगातार आरोप लग रहा है, तो फसाद करवाया गया और उसके बाद 6 के करीब करीब लोगों की जान चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को सुकून नहीं है, गौरक्षा के नाम पर किस तरह से दबंगई कर रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये जो वीडियो यहां पर सामने आया है, ये वीडियो जो है एक गौरक्षक का बताया जा रहा है, और ये गौरक्षक जिसका नाम यहां पर अगर मैं बताऊं आपको, वो केंद्र राणा है। ये किस तरह से एक व्यक्ति को आप देख सकते हैं एक ट्रक के अंदर पीट रहा है, उसके ऊपर तमंचा लहरा रहा है, ये वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक चीज स्पष्ट हो गई है, गौरक्षा के नाम पर आप किसी भी की भी जिंदगी ले सकते हैं, किसी को भी खत्म कर सकते हैं, ये सब कुछ हरियाणा में अलाउ है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा ही रहा हूं, देख सकते हैं आप इस वीडियो को। इस वीडियो को जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, गौरक्षा के नाम पर कानून और बंदूक हाथ में ले ट्रक चालकों का उत्पीड़न लगातार जारी है। यह वीडियो हरियाणा के ओकेंद्र राणा ने कल फेसबुक पर अपलोड किया है, जिसको अब तक 60 लाख लोग देख चुके हैं। इसी पेज से कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की गई हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली तस्वीर आप देख लीजिए, इसके हाथ में क्या है, फूल है क्या, ये हरियाणा सरकार को नहीं नजर आ रहा है। उसके बाद दूसरी तस्वीर देख लीजिए, देखिए दूसरी तस्वीर आप, क्या है इसके हाथ में। उसके बाद ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, देख लीजिए भाई साहब किस तरह से हथियार लहरा रहे हैं। कोई है इन पे कार्रवाई करने वाला, कोई है इनके खिलाफ जो है एक्शन लेने वाला, चंद वोटों के लिए आज इन लोगों को खुला छोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, इसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी इसकी तस्वीर वायरल है दोस्तों। अब मैं ये पुष्टि नहीं करता हूं कि यह तस्वीर वाकई उनके साथ की है, लेकिन अगर इस तरह से ये व्यक्ति गृह मंत्री के साथ में तस्वीर ले रहा है, तो ये अपने आप में बेहद चिंताजनक वाली बात है। और आप देख सकते हैं, ये दूसरा मोनू मानेसर हरियाणा का सामने आया है दोस्तों। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली जो बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर दे रहे हैं ये कांवड़ियों को लेकर के। मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहता हूं, यह तस्वीर को भी आप गौर से देखिए। यह तस्वीर एक कांवड़िए की है, खैर तस्वीर पे आप गौर मत करिए, तस्वीर में
एक और चीज आपको नजर आ रही होगी, कांवड़िए के हाथ में देखिए असलहा है, तमंचा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कांवड़ यात्रा लेकर निकले हुए लोग हैं और इस कांवड़ यात्रा में ये सीधे तौर पर हथियार लहरा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी एक और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इस तस्वीर को निगार परवीन नामक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करके ये कहा गया है, ये तस्वीर यूपी के पीलीभीत की है। कांवड़ यात्रा में सरेआम अवैध असलहे लहराए जा रहे हैं, तमंचा तलवार वगैरह भी लहराई जा रही है। कुछ दिन पहले ही बरेली एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने एक दंगा रोका था जिसमें उन्होंने नशे और अवैध असलहे की बात कही थी और आज वो बात सच हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से असलहे लहराए जा रहे हैं। कई और कांवड़ियों को तो शराब पीते हुए, किसी को गांजा, ये तो आम बात है, चले छोड़ दीजिए, पीते हुए देखा गया। लेकिन जो एसएसपी बरेली के थे, जिन्होंने ये कहा था कि कांवड़ियों के पास अवैध हथियार भी थे और वो फसाद करा सकते थे, उसी एसएसपी को मतलब जो है ट्रांसफर कर दिया गया, उसको बरेली से हटा दिया गया और कांवड़ियों को प्रोटेक्ट कर लिया गया, ऐसा आरोप लग रहा है। लेकिन ये चीजें अपने आप में चौंकाने वाली है। क्या आपको नहीं लगता अभी भी कि किसी ना किसी का हाथ तो जरूर होगा कि ये इस तरह से खुलेआम हथियार लहरा पा रहे हैं, वरना सरकार और पुलिस चाहे तो इनकी मजाल है इस तरह से ये फसाद करवा सके, हथियार लहरा सके। खैर इतना ही नहीं, आगे जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं वो इससे रिलेटेड ही है। खुद नरसिंहानंद सरस्वती, जो यूपी के अंदर आपको पता होगा एक मंदिर के पुजारी है ये, और इसका भी इतिहास बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं किस तरह से कुछ नेताओं को लेकर के खुलासा कर रहा है। जरा सुनिए, एक आदमी उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे 20 मिनट का मिलने का टाइम दिया था, वो चाहते थे कि मैं राजनीति ज्वाइन करूं, मैं बीजेपी की राजनीति यहां ज्वाइन करूं। 20 मिनट की 25 मिनट की मीटिंग तय हुई थी कि भाई इतने में हमें बात करनी है, 12-13 मिनट में मैं जो है उनका कमरा छोड़ के चला आया था। आखिर में उन्होंने मुझसे ये कहा कि बाबा तू अपना करता रहे, हमारे बच्चे सब विदेश में सेटल हो चुके हैं, जिस दिन दिक्कत होगी हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे, तुम अपना समा। तो मुझे ताज्जुब, फिर उसके बाद मैंने पता लगाया, अजीत जी जितने भी आपके बड़े नेता हैं किसी के भी बच्चे अब इस देश के नागरिक नहीं है, क्यों नहीं है? लेकिन एक आदमी, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे 20 मिनट का मिलने का टाइम दिया था, वो चाहते थे कि मैं राजनीति। सुन लिया आप लोगों ने ये वीडियो, नहीं इस अगर गौर से सुना है तो फिर इसको बैक करिए और सुनिए जाकर के। ये नरसिंहानंद सरस्वती एक नेता का नाम लेकर के बड़ा खुलासा कर रहा है, क्या कुछ इसके शब्द थे, क्या कुछ इसने कहा है, यह आप सब लोगों ने सुन लिया, समझ चुके होंगे। यह अलग बात है कि कुछ लोगों के समझ में इसकी बातें नहीं आएंगी क्योंकि वो इसी की मानसिकता के लोग हैं। खैर नरसिंहानंद सरस्वती का इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन यहां पर ये इस तरह से खुलासा जो कर रहे हैं ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि आखिरकार वो कौन नेता है? और उन इसी तरीके के नेताओं की सह पर आज देश में फसाद होते हैं, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।